बसमिल अस्सलाम असल डेयर स्टूडेंट्स माई डॉक्टर डॉ सईदी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड दैट इज मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी जो है ये दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से और बाइंडिंग एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं आइंस्टाइन मैस एनर्जी रेडेशन से लेकिन इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी आपको तभी मिल सकती है जब आप मैस डिफेक्ट पहले ऑप्टेन करते हैं अब मैस डिफेक्ट का क्या मतलब होता है चेंज इन मैथ ठीक है वो जो स्मॉल चेंज इन मैस होता है उसकी वजह से आप उसकी बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और वो इतना स्मॉल चेंज होता है कि हम अक्सर उसको इग्नोर यानी वो इग्नोर भी कर देते हैं लेकिन एक्चुअली में ये इग्नोरेबल नहीं है आप इस मैस डिफेक्ट की मदद से इस चेंज इन मैस की मदद से आप उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम किसकी बात करें अब हम इसको इन डिटेल पढ़ते हैं सो इट इज यूजली होल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पार्ट यानी हमेशा ये ज्यूम किया जाता है कि जो होल रहता है वो अपने पार्टस के इक्वल होते हैं जैसे टू जो है आपका वो सम है वन प्लस वन तो वो जो होल टू है हम कहते हैं वो वन प्लस वन उन दोनों के सम के इक्वल है इसलिए वो टू जो है वो वन प्लस वन के इक्वल है ठीक है ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया सो so, ये uh, किया जाता है कि होल हमेशा अपने पार्ट्स के खोलता है दिस इज नॉट इन द केस ऑफ द न्यूक्लियस लेकिन न्यूक्लियस में ऐसा नहीं होता द रिजल्ट एक्सपेरिमेंट्स मैस ऑफ द ऑफ द द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेकिंग ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के केस में ये देखा जाता है कि जब एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से भी ये शो हुआ है कि डिफरेंट न्यूक्लियर के ऊपर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए और ये देखा कि जो एक न्यूक्लियस का जो मैस होता है Uh, वो मैस ऑफ द न्यूक्लियस हमेशा लेस होता है देन द टोटल मैस ऑफ द प्रोटोन्यूट्रॉन्स मैंने आपको बताया था कि जो टोटल मैस ऑफ द न्यूक्लियस है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विद इन द न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करते हैं और जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते विद इन द न्यूक्लियस अगर आप उनका सम कर लें सो द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विद इन द न्यूक्लियस गिव यू द मैस नंबर हमने ये बात की थी तो यहां पे वो ये बात कर रहे हैं कि मैस ऑफ द न्यूक्लियस जो कि इक्वल होना चाहिए था उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम के लेकिन वो हमेशा

यहां से आप इसकी को डिफाइन भी कर सकते हैं ना कि इन द इन द न्यूक्लियस द मिसिंग मैस इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट और इसकी ये रिलेशन है न्यूक्लियस के केस में सिंगल न्यूक्लियस के केस में जब आप मैस डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो आप इसको इस रिलेशन से लिख सकते हैं ये जो चेंज इन मैस डेल्टा एम शुड बी इक्वल टू जेड एम पी जेड क्या है अटोमिक नंबर आपको पता है अटोमिक नंबर को मल्टीप्लाई करें आप मैस ऑफ द प्रोटोन अच्छा मैस ऑफ प्रोटोन जो है वो एक सिंगल प्रोटोन के मैस को शो कर रहा है अगर आप उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या होता है ना वो number, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ माइनस सी गिव्स यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी ये न्यूट्रॉन नंबर को शो कर जैसे आपको जी जो है, ये शो कर रहा है आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन ये यहाँ पे मेन्शन किया हुआ जी इज द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटोन इन द न्यूक्लियस और एम पी जो है वो आपका मैस ऑफ आ सिंगल प्रोटोन है इसी तरह ये जो ए माइनस सी है आपके पास ये ए माइनस जी इज द टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड एम एन जो इसके साथ लिखा हुआ है वो आपके पास मैस ऑफ अ सिंगल न्यूट्रॉन को शो कर रहा है तो जब आप ए माइनस जी इंटू एम एन करेंगे सो so, आप टोटल मैस ऑफ द न्यूट्रॉन को शो करेंगे क्योंकि ए माइनस सी जो है वो टोटल नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स है और एम एन जो है वो ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन है जब आप ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन को टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विद इन द न्यूक्लियस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल मैस ऑफ द न्यूट्रॉन जो है वो ऑप्टेन हो जाएगा इसी तरह जेड एम पी जो है वो आपका अटोमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटोन है जेड जो आपका है और मैस ऑफ सिंगल प्रोटोन के साथ जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मैस ऑफ द प्रोटोन विद इन द न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा सो so, जब आप सम अप करेंगे मैस ऑफ प्रोटॉन टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल मैस ऑफ द न्यूट्रॉन इस इन दोनों के सम, सम में से अगर आप मैस ऑफ द न्यूक्लियस को माइनस कर दें यानी वो हमने जैसे कि शुरू में पढ़ा कि न्यूक्लियस का मैस इन दोनों के यानी हम कह रहे हैं कि ये जो होल का मैस है मैस आपका न्यूक्लियस का जो मैस है वो होल है ना तो वो हमेशा लेस है एज कम्पेयर टू द मैस ऑफ द प्रोटॉन एंड टोटल मैस ऑफ द न्यूट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस तो अगर इन दोनों के सम में से हम मैस ऑफ द न्यूक्लियस को माइनस कर दें तो हमारे पास ये चेंज इन मैस आ जाएगा जिसको हम मैस डिफेक्ट कहते हैं जिससे आप उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है सो so, यहां पे उन्होंने कहा कि a माइनस जी इंटू एम एन ये आपके पास इससे ऊपर आप एम एन इज द टोटल मैस ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स ये आपके पास टोटल मैस ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स को शो करेगा ठीक है जिस तरह आपने ऊपर देखा कि जेड एम पी इज द टोटल मैस ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स ठीक है क्योंकि Z जो है वो प्रोटोन नंबर है एंड एम पी इज द मैसिंगलोटॉन्स एम पी इज द टोटल मैस ऑफ ऑल द प्रोटो इसी तरह ए माइनस जी जो है वो आपके पास टोटल ए माइनस जी क्या होता है ए माइनस जी का मतलब है मैस नंबर जो है आपका जो अटोमिक मैस नंबर है उसमें से अगर आप प्रोटोन नंबर को माइनस कर दें ठीक है यानी मैस नंबर में से प्रोटोन नंबर को माइनस कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं ठीक है तो जो भी आपका मैस नंबर होता है किसी भी न्यूक्लियस का जो भी मैस नंबर है अगर आप उसमें से उसका अटोमिक नंबर माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं और उन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर आप मैस ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल मैस ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स विद इन द न्यूक्लियस आ जाता है द टर्म एम न्यूक्लियस इज एक्सपेरिमेंटली मईड मैस ऑफ द एंटायर न्यूक्लियस और ये जो एम न्यूक्लियस है ये एक्सपेरिमेंटली तरीके से उन्होंने उस न्यूक्लियस का मैस ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है उसको उसमें से आप माइनस कर देंगे तो फिर आप उसका मैस डिफेक्ट निकालेंगे सो so, ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस इन ये आपको डिफरेंस इन मैथ दे रहा है बिटवीन द सम ऑफ द मैसेज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड द मैथ ऑफ द न्यूक्लियस इट तो ये आपको डिफरेंस इन मैथ दे रहा है किस किन दो का डिफरेंस है आपके पास सम ऑफ द मैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मैसेज उसके सम में से आप डिफरेंस ले रहे हैं मैस ऑफ द न्यूक्लियस को माइनस कर रहे हैं उसमें से सो तो आपके पास चेंज इन मैस आ रहा है तो ये आज जो डिफरेंस इन मैस है या जो मैस डिफेक्ट है इससे आप फिर आप उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मुलला से द मिसिंग मैस इज कन्वर्टे इन टू द एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में आप ये जो मिसिंग मैस है इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी दिस एनर्जी इज फाउंड फ्रॉम द आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू डेल्टा एम इन टू सी स्के ठीक है ये आप आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन है इज इक्वल टू डेल्टा पहले एम सी स्केयर कहते थे यहां चुके हम एम की जगह चेंज इन मैस इस्तेमाल कर रहे हैं डेल्टा एम तो यहां पे फिर हम डेल्टा एम इन सी स्केयर जो है वो यूज करेंगे एंड इस कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस और इसको हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कहेंगे ठीक है अब फ्रॉम द क्वेश्चन अब ये जो दो ही आपके पास आ गई है ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव एंड ट्वेंटी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस को आप कैसे लिख सकते हैं सो बाइंडिंग एनर्जी

इस तरह से ये सारे टर्म्स के साथ दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिंगल न्यूक्लियस ठीक है ये आ गई आपके पास ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन इक्वेशन अब ये तो हमने इसकी जो है वो फार्मूला जो है वो कैलकुलेट किया है मैथमेटिकल डेरिवेशन किए कि किस तरह से आप मैस्ट इफेक्ट ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस कैसे निकाल सकते हैं और उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अब अगर हम इसकी एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लें तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी वो एग्जाम्पल जो है वो हम ले सकते हैं एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन पॉइंट वन जो आपके उन्होंने दी हुई है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें जो भी आपने पढ़ा है सो लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ द ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस क्या होता है बोला ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस कहते हैं आपका ये हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप होता है उसे हम आ, फर्स्ट आइसोटोप जो है वो उसको हम कहते हैं प्रोटियम कहते हैं और जो सेकेंड आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का उसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं ठीक है तो ड्यूट्री न्यूक्लियस आप ले रहे हैं टू मेक द कंसेप्ट ऑफ द मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी मोर क्लियर हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं एक आपका प्रोटियम होता है फिर ड्यूट्रियम होता है फिर ट्रीट्रियम होता है ठीक है तो यहाँ पे हम उसका सेकेंड आइसोटोप जो है वो कंसिडर कर रहे हैं और जो कि ड्यूट्रियन न्यूक्लियस है उसको आप कंसिडर करके उसकी बाइंडिंग पहले उसका मैस डिफेक्ट और फिर उसकी बाइंडिंग एनर्जी को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ठीक है ऑफ द ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस अब एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ द ड्यूट्रॉन ये आपको दिया हुआ है ड्यूट्रॉन का एक्सपेरिमेंटल गे दिया हुआ एम न्यूक्लियस जो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हम ये जो है मैस ऑफ द ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस थ्री पॉइंट थ्री फोर थ्री फाइव इन ट्रांसफॉर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम आपको दे दिया है आपने उसका जो है वो मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है अब ये देखें मैंने आपको कहा कि ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस जो है वो हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप होना होता है वो वन एच वन होता है जो ड्यूट्रॉन है सेकंड आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन वो वन एच टू के इक्वल होता है वन एच टू का मतलब है कि इसका अटोमिक नंबर वन और इसका मैस नंबर ए जो है वो टू तो के इक्वल होता है ठीक है यहां से आप ये जो जी है यानी जी उसके अटोमिक नंबर को शो करता है ना और जी अटोमिक नंबर भी है और प्रोटॉन नंबर को भी शो करता है यानी जी एटॉमिक नंबर के साथ साथ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस को भी शो करते हैं है ना इसी तरह नंबर ऑफ जो ए है आपका वो आपका मैस नंबर है और हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि अगर आप ए माइनस जी करेंगे यानी मैस नंबर में से अटोमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे सो so यहाँ पे चूंकि ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस है तो इसका मैस नंबर टू है सो टू माइनस जब आप टू में से अटोमिक नंबर वन है क्योंकि ये हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप है सो दिस इज टू माइनस तो यहां पे आपके पास वन जो है वो न्यूट्रॉन नंबर यानी प्रोटॉन नंबर भी वन आ गया और न्यूट्रॉन नंबर भी आपके पास वन के इक्वल आ गया फॉर द ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस ठीक है तो अब हम वो हमारा जो फार्मूला था मैस डिफेक्ट का कि मैस डिफेक्ट आप इसको डेल्टा एम से शो कर सकते हैं कि मैस डिफेक्ट डेल्टा एम शुड बी इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन और उसमें से माइनस कर देंगे ड्यूट्रॉन मैस एम डी इन्होंने इसको यहाँ पे एम डी से शो किया है ड्यूट्रॉन मैस ठीक है अब मैस ऑफ प्रोटॉन के साथ जी आपने देखा कि जो नंबर थे नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी वन है और मैस ऑफ न्यूट्रॉन के साथ भी कुछ नहीं आया क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी वन है सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सो डेल्टा इज इक्वल टू वन टाइम्स ऑफ एम पी प्लस वन टाइम्स ऑफ एम एन एंड माइनस न्यूट्रॉन मैथ अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए यानी ये कांस्टेंट की वैल्यूज है मैस ऑफ प्रोटॉन भी एक कांस्टेंट वैल्यू है मैस ऑफ न्यूट्रॉन भी आपके चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट के पेजेस में इन तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज मौजूद है आप वहां से इनको इस न्यूक्लियर फिजिक्स के फर्स्ट पेज में जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं उसके आगे जो अटोमिक न्यूक्लियस का वो है उसमें सारे ये कॉन्स्टेंट मैथ ऑफ प्रोटोन मैथ ऑफ न्यूट्रॉन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सारी मौजूद है आप वहां से ये कांस्टेंट्स की वैल्यूज याद रख सकते हैं सो मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.6726 10^-27 किलोग्राम प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो किसके इक्वल होता है 1.6749 ये थोड़ा सा न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मैस वैसे हम इक्वल कंसीडर करते हैं लेकिन थोड़ा सा एज होता है न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा है ये देखिए फोर्थ uh, डिजिट पे आके न्यूट्रॉन का मैस प्रोटॉन के मैस से ज्यादा है सो दिस इज वन पॉइंट सिक्स सेवन फोर नाइन इंटू माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम माइनस ये जो ये दोनों आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज ड्यूट्रॉन का मैस उन्होंने आपको यहाँ पे गिवन uh, दिया हुआ है वो आप पुट करेंगे और यहां से ये वैल्यू आ गई मैस डिफेक्ट की ठीक है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी थ्री पॉइंट नाइन सेवन फाइव फोर इंटू माइनस थर्टी किलोग्राम बहुत ही टेन्स पार माइनस थर्टी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है यानी ये जो मैस डिफेक्ट आपके पास आया है डेल्टा एम दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी इसलिए हम अक्सर जब हम अपनी क्वेश्चन बैलेंस करते हैं तो इस मैस डिफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं लेकिन हम यहां पे ये यह हमें ये याद रखना चाहिए कि मैस डिफेक्ट बह हाल मौजूद होता है जिसकी वजह से आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ड्यूट्रॉन अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे आपने पीछे फार्मूला पढ़ा डेल्टा एम एन टू सी स्केर बाइंडिंग एनर्जी जो एम सी स्केर है ना आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन है सो डेल्टा एम एन टू सी स्केर का फार्मूला आप बाइंडिंग एनर्जी के लिए लगाएंगे डेल्टा ये जो भी आपने कैलकुलेट किया है ये मल्टीप्लाई बाय सी इज द स्पीड ऑफ लाइट आपने उसका स्केयर लेना है थ्री इंटू ट्रेंस पावर एट मीटर पर सेकंड ये स्पीड ऑफ लाइट सी की वैल्यू होती है इसका आप स्केर लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे मैस्ट इफेक्ट के साथ जब आप इसको मैस्ट इफेक्ट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो अब आपके पास आ गई है थ्री पॉइंट फाइव सेवन टू नाइन इंटू ट्रांस पावर माइनस थर्टीन जाउल अब ये जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आई है ये जौल में आई है लेकिन जब हम इतने स्मॉल पार्टिकल्स की बात करते हैं ना जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वहां पे हम एनर्जी को जौल में नहीं रहने देते वहां पे हम एनर्जी को लाजमी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स में Osionfish. तो फिर हम क्या करेंगे ये जो हमारे पास ये आपकी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपको याद हो होकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जवल का क्या रिलेशन है तो वो होता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्रांसफॉवर माइनस नाइनटीन जऊल इसके इक्वल होता है ठीक है ये रिलेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ तो इसका मतलब अगर मैंने अपने जवल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी इस वैल्यू से वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्रांसफॉर्वर माइनस नाइनटीन की वैल्यू से ताकि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए ठीक है अब हम जब अपने जवल वाली वैल्यू को वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्रांस माइनस से डिवाइड करेंगे सो वी कैन गेट टू पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ट्रांस पावर सिक्स को हम मेगा भी कह सकते हैं सो दिस इज टू पॉइंट टू थ्री मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है ये टू थ्री नहीं आना चाहिए ये अगर शुरू में थ्री थ्री है सो दिस इज थ्री थ्री ठीक है ये उन्होंने गलती से यहाँ पे टू लिख दिए सो दिस इज टू पॉइंट थ्री थ्री मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मेगा जो है वो टेन की पावर सिक्स की जगह है तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस एग्जाम्पल का ट्वेंटी वन पॉइंट वन का इसके साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है कि आपने किस तरह से सिंगल न्यूक्लियस का यानी अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है तो उसकी आपने मैस्ड डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है देअर फोर द बाउंड आर फ्री इसका मतलब है कि जो बाउंड कॉन्स्टिटुट्स हैं यानी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो मिलकर उस न्यूक्लियस को बना रहे हैं उनके पास बाउंडेड फॉर्म में लेस एनर्जी है देन व्हेन दे आर फ्री जब वो फ्री थे उसके मुकाबले में दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी कम्स फ्रॉम द मैस दैट इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इसका मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी उस मैस से आ रही है जो कि ज़ाया हो रहा है जब वो आपस में बाउंड हो रहे थे यानी वो जो उस वक्त जो मैस डिफेक्ट आ रहा था उसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी आई है अब ये देखें यह फॉर यफॉर्मेशन में भी आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास न्यूक्लियस है स्मॉलर मैस का और इसको बाइंडिंग एनर्जी ये रिक्वायर्ड होगी जब ये बाइंडिंग एनर्जी लेगा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी लेके फिर ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो अलग कर सकता है सो सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स विद ग्रेटर मैथ यहां पे शुरू में उसके पास स्मॉलर मैस था बाउंडेड फॉर्म में ये यही बात आपको यहां पे कह रहे ना कि बाउंडेड फॉर्म में उसके पास लेस एनर्जी है तो शुरू में उसके पास न्यूक्लियस के पास स्मॉलर मैस होता है ठीक है तो उस वक्त उसके पास उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए तो जब वो उतनी रिक्वायर्ड बाइंडिंग एनर्जी ले लेगा उस बाइंडिंग एनर्जी को लेने के बाद जो आपका न्यूक्लियस है स्मॉलर मैस के साथ वो फिर अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स को अलग कर देगा फ्री कर देगा तो सेपरेटेड न्यूक्लियन्स आ जाएंगे आपके पास ग्रेटर मैस के साथ सो एनर्जी मस्ट बी सप्लाईड टू ब्रेक द न्यूक्लियस अपार्ट इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अगर आप न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तो फिर आपको उसको मस्ट एनर्जी जो है वो मस्ट बी सप्लाइड यानी उसको एनर्जी जरूर सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो अपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो है वो सेपरेट कर सके उनको उनको ब्रेकडाउन हो यानी वो न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हो और साथ ब्रेकडाउन होने के नतीजे में अपने को अलग लग, को अलग-अलग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल अपार्ट कर सके ठीक है तो यह बात वो आपको यहां पे कह रहे हैं अगर आप इसके उल्ट बात करें तो वो भी पॉसिबल है कि बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाईड टू द न्यूक्लियस वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को लाजमी सप्लाई करनी चाहिए uh, मस्ट बी सप्लाईड टू द न्यूक्लियस इफ़ द न्यूक्लियस इज टू ब्रोकन अप इन टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और ये वो सप्लाइड एनर्जी है जिसकी वजह से आपका न्यूक्लियस जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा सो एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट सच मैस डिफेक्ट्स एग्जिट इन अदर एलिमेंट्स एज वेल ये सिर्फ हम न्यूट्रॉन के लिए बात नहीं कर रहे एक्सपेरिमेंट्स ने यह बताया कि दूसरे जो इस तरह के जो मैस डिफेक्ट्स हैं वो दूसरे एलिमेंट्स में भी पॉसिबल हैं uh, ये यहाँ पे उन्होंने एक ग्राफ आपको ये देखिए शो किया न्यू डिफरेंट न्यूक्लिया का और यहाँ पे जो चार्ज नंबर है चार्ज नंबर जो है वो वेरी कर रहा है जीरो से लेके नाइन्टी तक ठीक है और जो इनके चेंज ऑफ मैस पर न्यूक्लियन है यानी मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन जो है ये शो किया हुआ है अब आप ये देख सकते हैं कि इस ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है ये शुरू जो है वो हो रहा है हाइड्रोजन से अब हाइड्रोजन का जिसका मैस जो है वो बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल का और उसका जो मैस डिफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है मैस डिफेक्ट पर जो चेंज ऑफ मैस पर न्यूक्लियन या मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है वो बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन का बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो जो आप उसके आगे जाते जा रहे हैं हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ और इस तरह बेरिलियम है पहले बेरिलियम आएगा पहले हाइड्रोजन है फिर बेरिलियम फिर हीलियम फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर सल्फर तो जो जो आप आगे की तरफ जाते जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि उसका मैस डिफेक्ट की वैल्यू कम होती जा रही है हाइड्रोजन के लिए मैस डिफेक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और मैस डिफेक्ट अगर बहुत ज्यादा है तो उस न्यूक्लियस के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत लेस होगी ये देखिए ये जो दूसरा ग्राफ यहां पे बना हुआ है यहाँ इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की हम बात करें कि इसका मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन जो है वो बहुत ज्यादा है बल्कि मैक्सिमम है और अगर इसका मैक्सिमम मैस डिफेक्ट आ रहा है पर न्यूक्लियॉन तो आप देख सकते हैं यहां पे इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो सबसे कम है ठीक है यानी आप इसको इजिली ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो जिसका मैस डिफेक्ट ज्यादा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और इसी तरह से अब आप देखें आगे आप जैसे जैसे हमने कहा कि आगे जा रहे हैं हाइड्रोजन से ब्रिलियम की तरफ हीलियम कार्बन ऑक्सीजन सल्फर और सबसे ज्यादा ये जो आयरन है आपका जिसका चार्ज नंबर जो अटॉमिक नंबर है वो थर्टी है आयरन के लिए आप देख रहे हैं कि आपका सबसे जो कम है वो मैस डिफेक्ट है यानी आप इसकी मैस डिफेक्ट की वैल्यू देखें लीस्ट वैल्यू ऑफ द मैस डिफेक्ट जो है वो आयरन के लिए आ रही है यानी मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन और इस आयरन की ही आप देख सकते हैं यहाँ पे Uh, कि इसकी जो इसके न्यूक्लियर नंबर के हिसाब से इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आपके आयरन की है सो मैस डिफेक्ट इसका चूंकि पर न्यूक्लियन के लिहाज से बहुत कम है uh, आपका सबसे कम है आयरन का तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज्यादा यानी इसको तोड़ना उतना ही डिफिकल्ट है इसके इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स uh, में तो ये ये इसकी बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी बता रही है एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है मेगा इलेक्ट्रॉन हम इसको ले रहे हैं तो इसकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आयरन की है इसके आगे क्रिप्टॉन है और फिर स्टॉनशियम है और आगे के एलिमेंट्स हैं फिर एटी के बाद आपको पता है ना वो वाले एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं जिनका टॉमिक नंबर एटी से ग्रेटर होता है तो फिर आपके पास तो रोजीनियम से वो वाले एलिमेंट्स शुरू हो रहे हैं जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो वैसे ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं जो वैसे ही अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं जो शुरू में जितने एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं ये तो सारे स्टेबल एलिमेंट्स हैं टिल 80 एटॉमिक नंबर तक 80 के बाद वो वाले एलिमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं जिनका अटोमिक नंबर जब एट से बड़ा हो जाता है तो फिर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो जाते हैं जो वैसे ही अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं जो ईजिली डाउन हो जाते हैं तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पे दोबारा से मैस डिफेक्ट इनक्रीज करा क्योंकि जिनका मैस डिफेक्ट अब ये देखिए जिनका मैस डिफेक्ट ज्यादा होता है वो इजिली डाउन हो सकते हैं तो जैसे हाइड्रोजन का मैड डिफेक्ट सबसे ज्यादा था तो आप देख रहे हैं कि एटी के बाद जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका मैस डिफेक्ट दोबारा आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लग गया यानी उनका मैस डिफेक्ट ज्यादा हो जाएगा मैस डिफेक्ट ज्यादा होगा तो बाइंडिंग एनर्जी कम होगी वो तो बाइंडिंग एनर्जी ये देखें आयरन के बाद बाइंडिंग एनर्जी में डिक्रीज आना शुरू हो गया ठीक है यानी आयरन तक थर्टी जो अटोमिक नंबर है वो आपका ऐसा अटोमिक नंबर है जिसके बाद जब मजीद अटोमिक नंबर इंक्रीज होने लग जाता है तो आपको पता है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं और फिर वहां पे उसके बाद जितने ज्यादा आपके दूर दूर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे और दूर दूर वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूर एग्जिस्ट करेंगे तो ऐसे न्यूक्लियाय को ब्रेकडाउन करना जितने बड़े बड़े न्यूक्लियस होते जाएंगे एटॉमिक नंबर ज्यादा होता जाएगा तो बड़े बड़े न्यूक्लियस को ईजिली ब्रेकडाउन किया जा सकता है स्पेशली वो न्यूक्लियाये जो आपके जिनका टॉमिक नंबर एटी से बड़ा है रेडियो एक्टिव क्योंकि वो अनस्टेबल है उन्हें आप इजिली ब्रेकडाउन कर सकते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी फिर डिक्रीज होने लग जाएगी तो आयरन वो एक ऐसा बीच का एलिमेंट है सेंट्रल एलिमेंट है जिसका टॉपिक नंबर थर्टी है उसके बाद आप देख रहे हैं कि दोबारा से आपका मैस डिफेक्ट में इंक्रीज आने लग गया और बाइंडिंग एनर्जी में डिक्रीज आने लग गया ठीक है तो एक तो बहुत छोटे एलिमेंट्स का मैस डिफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होती है और उसके बाद जो बहुत बड़े एलिमेंट्स होते हैं उनका मैस डिफेक्ट भी बड़ा ज्यादा होने लग जाता है और उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम होने लग जाती है ठीक है तो सबसे छोटे एलिमेंट्स और बहुत बड़े एलिमेंट्स में दोनों में मैस डिफेक्ट की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम होती है जबकि जो सेंट्रल एलिमेंट्स होते हैं लाइक आयरन जो है वो सबसे स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूं कि आयरन जो है वो आपका सेंट्रल एलिमेंट है जिसका टॉपिक नंबर थर्टी है तो इसको इसकी मैस डिफेक्ट सबसे कम होगी और इसका जो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है इसके बाद वाले एलिमेंट्स में दोबारा से डिक्रीज आने लग गया है जब मजीद आप एटॉमिक नंबर थर्टी से आगे जाना शुरू करेंगे तो अब आपकी बाइंडिंग एनर्जी दोबारा जो है वो डिक्रीज होने लग गई है मैथ क्योंकि मैस्ट डिफेक्ट इनक्रीज होने लग गया है इसके बाद ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया इसमें कि एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड ये हमने देख लिया कि फिगर 21.3 जो है वो ग्राफ है बिटवीन पर एंड द चार्ज और यहां पे हमने ये वाला ग्राफ भी देख लिया है कि किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और न्यूक्लियन नंबर के लिहाज से उसमें किस तरह से चेंज आ रहा है ठीक है और दोनों आपस में ऑपोजिट बिहेव करते हैं जिसका मैस डिफेक्ट ज्यादा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है और जिसका मैस डिफेक्ट कम आ रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा आ रही है और इस तरह आगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए और आयरन के बाद वाले एलिमेंट्स के लिए मैस इफेक्ट जैसे 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 इंक्रीज हो रहे उनकी बाइंडिंग एनर्जी में जो है वो डिक्रीज आप देख रहे हैं ठीक है तो अब आज जो हमने ये जो सारी बातें की ये तो हमने फॉर अ सिंगल न्यूक्लियस की बात की है ठीक है इस तरह से आप हीलियम न्यूक्लियस के बारे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं मैस डिफेक्ट अब ये देखें अब जो आपका हीलियम न्यूक्लियस है जैसे आपने ये ड्यूट्रियम के लिए किया था ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस के लिए किया था इसी तरह आप इसको इसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को हीलियम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं अब हीलियम न्यूक्लियस में ये देखें टू एच ई फोर टू एच ई फोर का मतलब है उसका अटोमिक नंबर जो है वो टू है और जो उसका मैस नंबर है वो फोर है तो ऐसे न्यूक्लियस में अब आप ये देखें आप इसके सबसे पहले आप इसका नंबर देखें Z विच इज द प्रोटोन नंबर ये टू है और जो इसका मैस नंबर A जो है वो आपके पास फोर है? है तो आप इसका न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकाल सकते हैं A माइनस जी करके सो दिस इज फोर माइनस टू दिस इज टू तो टू जो है वो इसका न्यूट्रॉन नंबर होगा तो जब आप इसका मैस डिफेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे और टू ही इसका प्रोटोन नंबर है जैसे न्यूट्रॉन नंबर टू है क्योंकि जो आपका इसका अटोमिक नंबर होता है वही उसका प्रोटोन नंबर होता है सो so, जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा एम डेल्टा एम शुड बी इक्वल टू टू एम पी ठीक है यानी क्योंकि अब आप आपका जो प्रोटॉन नंबर है वो टू के इक्वल है ना सो दिस इज टू टाइम्स ऑफ मैस ऑफ सिंगल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर भी आपने निकाला कि टू के इक्वल है सो दिस इज टू टाइम्स ऑफ मैस ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस ठीक है अब मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस जो है वो आपको उन्होंने कितना दिया यहां पर उन्होंने इसको अटोमिक मैस यूनिट्स के अंदर दिया हुआ है ठीक है अब अटोमिक क्या होते हैं ये होता है कि वन अटोमिक मास यूनिट जो है वो आपका इक्वल होता है माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम के ये इसका अटोमिक मास यूनिट का का रिलेशन होता है किलोग्राम के साथ तो यहाँ पे आपने अटोमिक मैथ यूनिट्स के अंदर ये सारी वैल्यूज ये अगर आपको ये ये तो याद होनी चाहिए प्रोटोन की और न्यूट्रॉन की क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं लेकिन मैथ ऑफ फिलियम न्यूक्लियस जो है वो आपको गिवन वैल्यू भी हो सकती है अगर वो आपको नुमेरिकल के तौर पर देंगे वरना जब आपने इसे क्वेश्चन में एज एन एग्जाम्पल लिखना फिर आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए सो दिस इज द माइनस द ऑफ मैथिलियम न्यूक्लियस ये आपने फोर पॉइंट जीरो जीरो टू एट वन अटोमिक मैथ यूनिट ये वो वैल्यूज हैं जो आपके प्रियोडिक टेबल में लिखी होती हैं ठीक है ये मैथ ऑफ हिलियम न्यूक्लियस की वैल्यू प्रोडक्ट टेबल में आपके होगी और ये जो आपके पास एटॉमिक मास यूनिट्स में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन की ये मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के स्टार्ट में जो इसकी कांस्टेंट्स वैल्यूज हैं इन सब की वो एटॉमिक मास किलोग्राम की फॉर्म में भी हैं जैसे आपने इधर किलोग्राम की वैल्यूज में किया था और एटॉमिक मैथ यूनिट्स में भी इसकी वैल्यूज गिवन है तो ये आपने मैस ऑफ प्रोटॉन टू टाइम्स था तो इसको टू से मल्टीप्लाई करके लिखा प्लस टू टाइम्स ऑफ मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो है एटॉमिक मैस यूनिट की फॉर्म में ये लिखा और इसमें से मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस जो है उसे आप माइनस करेंगे तो ये इसका मैस डिफेक्ट आ जाएगा ठीक है अटोमिक मैस यूनिट में अब आपने अटोमिक मैस जब आपने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो फिर आप इसको किस तरह से करेंगे ये जो आपके पास मैस डिफेक्ट है आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में क्योंकि आप बाइंडिंग एनर्जी जो है फिर वो उसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते ना क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो आप पहले जउल में निकालते हैं और बाद में उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट तो नहीं है ना मैथ्स की अटोमिक मैथ यूनिट तो पहले आप इसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे अब वो कैसे कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वन अटोमिक मैथ यूनिट बराबर होता है वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू ट्रांसफॉर्म माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम के तो यहाँ पे आप अपने इस फैक्टर को इस अटोमिक मैथ यूनिट की वैल्यू पुट कर देंगे ना और अटोमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या है दिस इन किलोग्राम तो आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें अटोमिक मास यूनिट की वैल्यू डाल के सो मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू माइनस ट्वेंटी सेवन तो जब आप इस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एम जो है वो फाइव पॉइंट जीरो थ्री इंटू माइनस ट्वेंटी नाइन किलोग्राम ठीक है आप इस किलोग्राम में इस तरह से निकाल सकते हैं अगर आप इसको पेपर में एग्जाम में जो है वो एग्जाम्पल के तौर तो पे करना चाहते हैं तो अगर आपको किलोग्राम्स वाले मैसेज आते हैं तो आप डायरेक्ट किलोग्राम वाले मैसेज से भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको हिलियम न्यूक्लियस का किलोग्राम वाला मैस भी तो चाहिए होगा ना तो आपके जो पीरियोडिक टेबल में मैसेज लिखे होते हैं जो आप देखेंगे वहाँ पर अटोमिक मैसेज होते हैं वो अटोमिक मैथ यूनिट्स में होते हैं दैट्स वाई हमने प्रोटोन और न्यूट्रॉन के जो मैसेज हैं वो भी अटोमिक मैथ यूनिट्स वाले लिए ठीक है बाद में उस अटोमिक मैथ यूनिट को ये रिलेशन यूज करके हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया अब आप इससे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी जो है वही फार्मूला डेल्टा एम इन सी स्केयर ठीक है मैस डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका स्केयर आप यानी थ्री इंटू टेंस पावर एट का होल स्केयर आप ये होगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी बाइंडिंग एनर्जी आएगी पहले जऊल में ये आएगी फोर पॉइंट फाइव इंटू ट्रांसफार्माइनस ट्वेल्व जवल अब जैसा कि हमने कहा कि जब हम इन स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो फिर हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का मैंने आपको यह तरीका बताया कि वन इक्ट्रॉन इसके इक्वल होता है माइनस नाइनटीन जवल के तो आप अपनी इस वैल्यू को वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्रांसफॉर्म माइनस माइनस नाइनटीन से डिवाइड कर देंगे और जवल इन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनवर्स होगा ना तो ये फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी वैल्यू आ जाएगी जवल जोल कैंसिल हो जाएगा तो यहां से 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी आएगी फॉर द हीलियम न्यूक्लियस आपने इसको कैलकुलेट किया ये जो एग्जांपल थी ये ड्यूट्रॉन के लिए थी ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस जो कि हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप था ये अब आपने एग्जाम्पल किसके लिए की है फॉर द हीलियम न्यूक्लियस उसकी आपने पहले मैस्ट इफेक्ट निकाला और फिर उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाली ठीक है दिस मीन्स डेट when टू protons एंड टू neutrons फ्यूज टूगेदर टू मेक द हिलियम न्यूक्लियस इसका मतलब अगर दो प्रोटोन और दो न्यूट्रॉन मिलकर हिलियम न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि टोटल मैथ नंबर तो हिलियम न्यूक्लियस का फोर है ना तो टू प्रोटोन्स और टू न्यूट्रॉन अगर मिलकर हिलियम न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करते हैं तो ट्वेंटी एट पॉइंट टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज तो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी सिमिलरली इफ एन अमाउंट ऑफ ट्वेंटी एट पॉइंट टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन टू दिलियम न्यूक्लियस हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप इतनी एनर्जी उसको देंगे हीलियम न्यूक्लियस को तो वो फिर ब्रेकडाउन हो सकता है इन टू प्रोटोन एंड टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स में ब्रेकडाउन हो सकता है ठीक है तो यहां से आप ये ये जो वन अटोमिक मैथ यूनिट है ये बड़ी अहम जो है मैथ यूनिट समझी जाती है एटम्स और के केसेस में क्योंकि न्यूक्लियर मैसेज जब आप कंसिडर करते हैं ज्यादातर या अटोमिक मैसेज कंसिडर करते हैं तो वो अटोमिक मैथ यूनिट्स में आप कंसिडर करते हैं सो वन अटोमिक मैथ यूनिट जिसकी वैल्यू आपने किलोग्राम में पढ़ी कि वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटूटर्स पर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम के इक्वल किलो होती है ये फर्दर नाइन थर्टी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भी इक्वल होती है इससे आपको आसानी ये होगी कि जब आप मैस डिफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एनर्जी के लिए ये ये सारा कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आप आप जस्ट अपनी ये जो जो डिफेक्ट की वैल्यू में आपने निकाली थी आप अगर उसे मल्टीप्लाई कर देखिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तो अगर आप अपने इस को, इस जो आपने निकाला है की में, अगर आप इधर बजाय ये वैल्यू डालें किलोग्राम वाली और उसके बाद ये सारे स्टेप्स करने के आप डायरेक्ट इधर अटोमिक मैथ यूनिट की ये वैल्यू डाल सकते हैं नाइन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आपके पास डायरेक्ट मैस डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी ठीक है ये सब कुछ आपको फिर नहीं करना पड़ेगा तो अगर आप अटोमिक मैथ यूनिट्स में वैल्यूज निकालते हैं तो यू कैन सिंपली आप मैस डिफेक्ट के बाद डायरेक्टली अटोमिक मैथ यूनिट की वैल्यू 931 थर्टी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली भी बाइंडिंग एनर्जी वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है बजाय आप उसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करें मैस्ट डिफेक्ट को और फिर आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन लगाएं और ये सारे स्टेप्स करें पहले जवल में आए फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये करने के बजाय आप डायरेक्ट इधर इस ये आपकी एक्सरसाइज है आप इसको करके देख सकते हैं कि अगर आप इधर अटोमिक मैस यूनिट की जगह इसको मल्टीप्लाई कर दें जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो थ्री फोर को मल्टीप्लाई करें नाइन थर्टी वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो आपको सेम यही वैल्यू मिल जाएगी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है तो ये आप करके देख सकते हैं उसके बाद ये हमने ग्राफ तो ऑलरेडी स्टडी कर ली ये देखे फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपको बता रहे हैं कि ये आपका वो हीलियम न्यूक्लियस है जिसका अटोमिक नंबर जो है वो टू है और जिसका मैस नंबर जो है वो फोर है यानी कि इसमें दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं ठीक है ये ग्रीन कलर के जो है ये आपके न्यूट्रॉन्स हैं और ये जो पॉजिटिव चार्ज के साथ शो करेंगे आपके दो प्रोटॉन्स हैं तो आपको पता है जितने प्रोटॉन्स उसके अंदर होते हैं तो उस न्यूक्लियस के बाहर जो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी दो इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करें क्योंकि ये इसका टोमिक नंबर अटोमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी शो करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस को भी शो करता है अब इसको आप इतनी बाइंडिंग एनर्जी यानी देंगे कितनी बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाली ट्वेंटी एट पॉइंट टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इतनी बाइंडिंग एनर्जी इस हीलियम न्यूक्लियस को मिलेगी तो फिर ये डिसंटीग्रेट हो सकता है दो आपके प्रोटियम बना सकता है वन एच वन वन एच वन दो प्रोटियम का मतलब है और साथ एक एक न्यूट्रॉन भी मिट करेगा क्योंकि हमने कहा कि दो प्रोटॉन्स निकालेगा जब इतनी एनर्जी इसको मिलेगी तो ये टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स निकालेगा तो ये दो वो प्रोटॉन्स हैं यानी आपका हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप प्रोटियम प्रोटियम दो प्रोटॉन्स और उसके साथ एक एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होता है जीरो एन वन यानी न्यूट्रॉन का जो कोई चार्ज नहीं होता जीरो होता है चार्ज नंबर और मैस वन होता है इसका सो दिस इज जीरो एन वन मीन्स जीरो चार्ज नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन एंड वन इज इट्स मैस नंबर तो दो प्रोटॉन्स निकालेगा और दो न्यूट्रॉन्स निकालेगा ट्वेंटी एट पॉइंट टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एलर्जी लेने के बाद ये जो आपका हीलियम न्यूक्लियस है ठीक है तो ये उन्होंने फॉर्जियर इन्फॉर्मेशन में आपको दिखाया है ये अनदर फार्मूला है इसको आप देख सकते हैं ये फार्मूला क्या है कि अगर आपने मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन निकालना है तो फिर पर न्यूक्लियन के लिहाज से आप डेल्टा एम डिवाइडेड बाय यानी मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप सिंपली ए से डिवाइड कर दे दोनों तरफ यानी आपकी ये जो इक्वेशन थी जो आपने लिखी थी मैस डिफेक्ट की ये वाली शुरू में इक्वेशन कि डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जी एम एंड माइनस मैस ऑफ द न्यूक्लियस अगर आप इसको पर न्यूक्लियन निकालना चाहते हैं तो आप दोनों साइड पे इसको उसके मैस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं सो so, आपके पास वो मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन आ जाएगा ठीक है तो ये वही रिलेशन है आपने जस्ट उसको उसके न्यूक्लियन नंबर से यानी मैस नंबर से जो है वो डिवाइड कर देना है तो ये भी फ्रॉम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द मैस डिफेक्ट इट इज क्वाइट ऑबियस दैट फॉर द हाइड्रोजन मैस डिफेक्ट इज जीरो ठीक है यानी अगर आप इसका मै उसकी डेफिनेशन से देखें तो उसका मैस डिफेक्ट जीरो होगा हाइड्रोजन के लिए द मैस डिफेक्ट इज मेड क्लियर विद द आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्र अब हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है ना अगर आप वन एच वन कंसिडर करें तो उसके लिए मैस डिफेक्ट क्योंकि आपने ड्यूट्रॉन के लिए लिया है ड्यूट्रॉन के लिए तो मैस डिफेक्ट की पहले ही बहुत स्मॉल वैल्यू आई है तो अगर आप हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप कंसिडर करें तो वहां तो फिर मैस डिफेक्ट बिल्कुल जीरो को अप्रोच करेगा सो मैस इफेक्ट इज मेड क्लियर विद आइंस्टाइन इंसट इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा इंटू सी स्क्वेयर दिस इक्वेशन शोज दैट इफ फॉर एनी रीजन अ मैस डेल्टा एम इज लॉस्ट देन इट इज कन्वर्टेड इन एनर्जी कि अगर किसी भी वजह से मैस डिफेक्ट नहीं आता या लॉस हो जाता है तो फिर आप उसको एनर्जी में फिर भी इस रिलेशन से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी एनर्जी में ठीक है तो ये आपको उसका मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लॉन का फार्मूला और ये उन्होंने उसको बताया है कि मजीद अगर आपने पर ये जो आपने क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लॉन के लिए ना तो यहाँ से आप इन दोनों ग्राफ्स में उसकी पर न्यूक्लॉन की वैल्यू भी देख सकते हैं और पर न्यूक्लॉन के लिए मैंने आपको कहा कि जस्ट मैथ नंबर से डिवाइड कर दें बाकी सारी वही रिलेशन है उसके अंदर ठीक है तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक है मैथ डिफेक्ट का और बाइंडिंग एनर्जी का इसको आपने इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं आप कि आपने ये जो कांस्टेंट्स की वैल्यूज हैं जो मैंने आपको कही थी कि आपको गिवन है मैं आपको बता देती हूँ कि किस पेज पे गिवन है पहले हम ये अपना लास्ट कम्प्लीट कर लें विद मैस नंबर number रीच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एट पॉइंट एट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट द मै नंबर फिफ्टी एट ये हम किसकी बात करें आयरन की बात करें कि आयरन जो है वो उसकी मैस uh, नंबर की वैल्यू जो है वो 8.8 पॉइंट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी बाइंडिंग एनर्जी पहुंच जाती है उसका मैस नंबर जो है वो 58 पे एंड देन इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस और उसके बाद उस मैस नंबर के बाद यानी आयरन के बाद वो ग्रेजुअली जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज होने जा, लग जाती है टू अ वैल्यू ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स वोल्ट एट द मैस नंबर टू पे टू थर्टी एट मैच नंबर जो है ये आपका किसका होता है यूरेनियम का होता है ठीक है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मैक्सिमम फॉर द आयरन इसका मतलब है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हवाले से ये लाइन हो सकती है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आयरन के लिए मैक्सिमम होती है दिस शोज दैट फॉर ऑल द एलिमेंट्स आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इसका मतलब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा इसका मतलब है तमाम एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट जो है वो आपका आयरन है और उसके बाद वेन हैवी एलिमेंट ब्रेक इन टू द लाइटर एलिमेंट्स और द लाइटर एलिमेंट्स आर फ्यूज टू फॉर्म द दर एलिमेंट देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ऑप्टेन ये आप अभी इस चैप्टर में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जब आपका एक फ्यूजन का, प्रोसेस होता है, या का प्रोसेस होता है, जब बहुत सारे लार्ज एनर्जी तो किस तरह से ओपटेन होती है वो हम इन आगे देखेंगे जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज है वो मैं आपको बता दूं कहाँ पे गिवन है ताकि आपको ये अटोमिक न्यूक्लियस का टॉपिक है ये देखें इसमें ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज उनके मैसेज किलोग्राम में भी और अटोमिक भी यह आपको प्रोटॉन का और ये न्यूट्रॉन का और ये इलेक्ट्रॉन का भी ठीक है ये सारे कॉन्स्टेंट ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज चाहे प्रोटॉन का चार्ज करें चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर दोनों की सेम वैल्यूज होती हैं तो ये आपको इस एटॉमिक न्यूक्लियस के टॉपिक में ये सारे कॉन्स्टेंट्स के वैल्यूजन आप यहाँ से इनको uh, कर सकते हैं और ये आपको न्यूट्रॉन नंबर निकालने का तरीका भी यहाँ पे उन्होंने बताया जैसे मैंने आपको आगे बताया हीलियम के लिए भी निकाला वह उन्होंने यूरनियम के लिए भी निकाला व ठीक है तो यहां से आप इसको देख सकते हैं इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू स्कोर याद कर सकते हैं और आई होप स्टूडेंट्स हमने जो आज यहां तक काम किया है मैस डिफेक्ट और बॉडिंग एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसे दूसरे न्यूक्लियाई के साथ भी यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आप ट्रिटियम के साथ इसको करने की कोशिश करें ट्रिटियम जो है वो थर्ड आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन होता है जैसे आपने यहां न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के लिए किया है तो आप ट्रिटियम के लिए भी कर सकते हैं यानी वन एच थ्री के साथ आप इसको कर सकते हैं जो थर्ड आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन है तो उसके साथ आप इसको ट्राई करने की कोशिश करें कि आप उसका मैस डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या उसकी बाइंडिंग एनर्जी दोनों चीजें आप उसकी कैलकुलेट करें डेल्टा एम की वैल्यू मैस डिफेक्ट एंड उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है फिर वो दोनों आप उसकी कैलकुलेट करके देखें कि क्या आपसे ऐसा पॉसिबल है ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी की और आई होप हमने जितनी बातें आज की हैं आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा अटी द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें दुआ में याद रखें That's all for today students you can like subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications if you have any problem you can comment me also until the next lecture take care allah hafiz